रक्षाबंधन है तो अभी मेरी बेटी ने राखी भेजी है तो मैं ही राखी बांध रही हूँ, तो आगे आपको दिखा रही हूँ। रक्षाबंधन प्यार का बंधन है, परमात्मा सबको सुखी रखे, रक्षा करे, बहन को भी भाई को भी हर पल सारे सुख दे। तो इसी कामना से आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, बहना ने भेजी है भाई को राखी। तो अरे मेरा हाथ कांपता है। अरे ठीक है ना डाकू, ठीक थोड़ी है ना हाँ। बनाना। इसके बाद राखी, ये देखिए, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। बहना के जगह पर मम्मी बांध रही है कि परमात्मा हमेशा रक्षा करना, सुखी रखना बच्चे को, उसके भाई को, उसका भी वही आशीर्वाद है, बहन का भी आशीर्वाद है कि भाई को भगवान हमेशा खुश रखें, सुखी ऐसे मत रखें। बांधो, गार्ड बांधो, निकल जाएगा एकदम। हाँ ठीक, हाँ देखिए। इसके बाद अब मिठाई, ये देखिए। आप लोग भी राखी बांधिए ऐसे। हाँ रक्षाबंधन है, खुशी मनाइए। माँ भी बच्चों को बांध सकती है, जब पीपल के पेड़ को बांध सकते हैं तो माँ क्यों नहीं बांध सकती है। बेस्ट बेस्ट। भगवान रक्षा करे हम हमेशा। ठीक है, हम और आगे कीवी खा मिलते लेता हूँ। हैं। फिर आगे ब्लॉग में मिलते हैं। ठीक है, बाय। आज का छोटा सा ब्लॉग है। ठीक है, बाय। और आगे दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं आगे। रक्षाबंधन हो गया, राखी बना गया। राखी बहन के बदले में मम्मी बांध दी, बहन तो भेजी थी लेकिन मम्मी बांध दी। बस आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही छोटा छोटा ब्लॉग हम बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, और आप देखते रहिए। छोटा ब्लॉग है लेकिन भाई बहन का प्यार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो छोटी छोटी खुशियाँ सबके साथ बांटना है। सबको परमात्मा खुश रखे, मालिक मेहर बनाए रखे, बच्चे सब सुखी रहें, शरीर से स्वस्थ रहें, जहाँ रहे कामयाबी उनको मिलती रहे। बहन का भी यही आशीर्वाद है जो मैसेज मैं आपके पास पहुँचा रही हूँ। हम लोग भी बचपन में बहुत रक्षाबंधन का बहुत वो रहता, एक्साइटमेंट रहता था। अभी तो बहन है तो भाई नहीं, भाई है तो बहन नहीं, तो कोई बात नहीं, जहाँ भी रहे सुखी रहे सब। ठीक है, चलिए बाय, फिर दूसरा ब्लॉग में मिलते हैं।